जिनका नाम हिंदू रखा गया है, अग्रवाल जी, उनको देखने में उनके केश नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो ये देखकर हम कहेंगे ये हिंदू है। तो ऐसा हमने जो नाम रखे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो केश दाढ़ी वाले हैं, पगड़ी वाले, उनको कहते हैं ये सिख हैं। और सिख और शिष्य में क्या फर्क है? जैसे वाटरमेलन और तरबूज में फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। मेरे को ये खुशी हो रही है कि जिसको हम ये समझते हैं कि जो अंग्रेज ने एक बीज हमारे में बोया कि हिंदू और सिख एक नहीं है। एक उर्दू में बहुत पुराना एक पैम्फलेट छपा था कि हम हिंदू नहीं है। कैसे गुरु साहब ने चंडीगढ़ आराधन किया, मैंने एक सिख भाई को कहा कि चंडी की बार के कुछ लिखना था, एक स्कॉलर है। उन्होंने कहा मैं चंडी नहीं कहूंगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, हमारा अंग्रेज चला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजियत भी तो जानी चाहिए। अंग्रेज चला गया, अंग्रेजियत जानी चाहिए, अंग्रेज भले रहे यहाँ लेकिन अंग्रेजियत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कुछ वर्ष पहले मलेरिया के बारे में बहुत पोस्टर पड़े होंगे, मच्छर रहेगा इधर और सबू प्रताप सिंह जी वहां से। सबू प्रताप सिंह जी ने लीडर को कहा, ये आपने कह दिया कि धर्म ग्रंथ का कोई अखंड पाठ ना करे, कोई साधारण पाठ ना करे, ये आपने कह दो, आप क्या मानते हैं? हाँ ये पचपन पौड़ियां हैं सारी, पचपन में से दो को तो गुरबानी मानता हूँ, लेकिन दूसरे तिरपन को नहीं मैं मानता। मैं तो चालीस गुरु गोविंद सिंह किया, लेकिन मैं उसको गुरबानी नहीं मानता। तो ये चीज हमारे में अंग्रेज ने दी और सारे वो विद्वान बैठे रहे, वो हंसने लग गए गुरु हामिद जी के पास। मैं आज के दिन पर मैं कुछ नहीं कहूँ, कहने के लिए तो इतना कह दिया अग्रवाल जी ने कि वो बहुत ही अच्छा कहा और हमारे दिल में उसका बहुत अच्छा स्थान बना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 300 साल हम लोग मना रहे हैं, किसका मना रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जी का मना रहे हैं। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि सब लोग धर्म ग्रंथ पढ़े और धर्म ग्रंथ को बराबरता देनी चाहिए। देखिए भगवत गीता में जो लिखा है, जरा जरा धर्म से ग्लानी भक्ति बात अभ्यसान धर्म से सदात्मा सृजाम्यम परी प्राणाय साधु नाम विराजाय दुष्कृताम धर्म संस्था पार्थाय संभवामी युगे। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा है, जब जब होश अरिष्ट का पारा तब तब देह का सब पारा धर्म जलावन संत वारण दुष्खबर कबूल हो पारा। तो इन ये शब्द भेद है, उसमें इसका जो विचार है वो बिल्कुल एक है सारा। और देखिए आज संसार में बहुत विज्ञान साइंस जो है बहुत तरक्की कर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि वो गुरबानी नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ दिन बनाने का क्या फायदा। तो सदगुरु कृपा करें हमारे मन पर बसे और हम सदगुरु के आज्ञा का पालन कर सकें। और ऐसी ऐसी बात फार्मूले लिखे हैं, तरीके लिखे हैं कि इससे हम जैसे हर आदमी जब बहुत तंग आ जाता है, बीमार होता है, तो कहते हैं मेरे को मुक्ति दे दो, मरने में मुक्ति नहीं है। गुरबानी गुरु अर्जुन से बात करने लिखा है, बराबर है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति, इन्हें व्रत रख लो, कुछ कर लो, नाम बिना कोई मूल्य नहीं, एक एक नाम देना नहीं कोट प्रति इन वेद विचार सारस्वती सारस्वती गुरुआ भी हर मरना नहीं हूँ। इस वास्ते उस गुरु गोविंद सिंह जी का उन्होंने नाम का नाम जी में मैंने लिखी है, इसी तरह सारी बाणी सरगुरा ने नाम जी में मैंने लिखी है। इस नाम दे रहा है कोई बड़ राजा, इस नाम दे रहा है सिर्फ पूरे काजा, इस नाम दे रहा है सिर्फ कोट तान पाए, नाम बिना जन्म व्यक्त आ जाए।
हमारी जीवन यात्रा सफल हो गए, हमारा काम जो है वो सफल हो गए, किसी ने हमारा भला है, किसी ने हमारे देश का भला है, किसी ने हमारे समाज का कल्याण है। मैं यही कह के आप मन व्यक्ति उजागर करने लिए रखना पवित्र करने लिए सब गज के आपको संत श्री सतगुरु राम सिंह आपने जयदार सेवा सिंह होना का दुकान सुनिया मुख गल जो ही रखी उन्होंने कि जिन्होंने हुक्म चंगा लगे ना वो ही पैसे वाला है वो ही इज्जत पद वाला है। फिर उन्होंने नाल ठोस प्रमाण दे के दिते ने बंता सिंह ने प्रमाण दिता है कि वो इस संसार से आके एको ही काम है जोड़ा बहुत जरूरी है कि जो संसार तो जाना है ऐसा किस तरह जाना है क्या जाना क्यों मरा हुए कैसा मरना हुए सवाल है यदा जवाब अमली जीवन में देना है कि इस तरह असा जाना इतने जाना तो जैसा सेवा सिंह उन्होंने प्रमाण दिते ने उन्होंने दसिया कि गुरु गुस्से किस तरह जाते हैं। हम गुरदयाल सिंह होरी तो बीबी जे गए ने रतन सिंह होरी अपने अपने वारी आपो अपनी कोई ना बंदा समय अनुसार अज साइंस का युग है चोटी से साइंस है कुछ ना कुछ करके बिखा देंगे पर जरा जाना तो आना है ना ये साइंस के हाथ नहीं अजे आया ये नहीं वो कर सकते इन्ने कां इन चिड़िया इन गवं इन मनुख इन वैद हो अकाल पुरख का इन्ना वड्डा कारखाना है इन्ने वड्डे कारीगर ने वो अपने आप सारा काम करी जाते हैं उन्होंने कोई उचेत करने की लड़ नहीं पीती जिस वे प्राणी शरीर आ प्राण प्राण आ शरीर के जन्म लेता मनुख वो कन्ना नक् के हथा के जो भी उसके ऑर्गन या हथियार ने काम करने वाले वो अपने आप सारे इन्नी उम्र इन्ना काम करे इन्नी उम्र इन्ना काम करे सारे वो मुताबक बनते जाते हैं। ये सारा कुछ देख के भी फिर भी मनुख समझता है कि अन्न अन्न के जो घास घास से होए तैसे मनुष्य मनुष्य से अवरखा करता होए फिर भी मनुख इस तरह समझता है। तो सच्चे पातशाह रवि प्रताप सिंह सच्चे पातशाह उपदेश होता कि जिस वे स्टालिन जरा सी वो मरन लगा तो उन्हें आख्या कि कोई उससे ताकत हैगी जो सानू नहीं पता लगता जिस करके बड़े बड़े मंदिर से गिरजा वे वास्ते प्रार्थना हुई कितने कितने इस तरह की गल होती है मनन जी नहीं करता मनुख का सुभा तो इस तरह का ही है पर सिख बन के तू दे लड़ लग के भी फिर आदमी जरा ना वो गुरु की गल नहीं समझता गुरु की सिख की गल नहीं समझी गई बंता सिंह की तो फिर पिछों पछताए के गल नहीं समझी तो पछतावा यह है भाई तुम किसी गड्डी चढ़ना आए हो ना तो लेट अगर चल गई है तो वह मिलती नहीं फिर वह पछता ही है जिस वे संसार से मनुख आ जो लिखा होंगे मुताबक होंगे ये वास्ते इन्ना जोर न लिखा सगलों ने कि करता कारण करता सो लिखियो लेख ना लेख सको नहीं हो कस दो बारा करना हार ना भूलन हार। तो पर महापुरुष जड़े ने जां सतगुरु ने उन्होंने उत्ते ये गल नहीं लागू होंगी वो अपने गल कर लेंगे ने एक हरनाम सिंह मिटपुरी के इलाके का सिंह छतरी रोड़े सिंह वो चढ़ाई कर लगा उसकी माँ ने अरदास कार भेजी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह कृपा करो सतगुरु जी इतों भैनी साहब उसे मिटपुरी के इलाके गए वो वास्ते अरदास की गई जिसे अरदास करके सच्चे पातशाह आ गए थोड़े चिर बाद शरीर प्राण जो बिल्कुल हिलता चलता नहीं आए तो उन्हें दसिया कि सतगुरु राम सिंह आए सन घोड़िया से एक घोड़ा मेरे वास्ते सी चाड़ के मैनू ले जाते सन मगरों सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने आवाज मारी सच्चे पातशाह इन रहन दौ जी
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ। ਅਨੇਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨਿਤ ਧਾਰੇ, ਵਿਘਨ ਲਾਗੈ ਤਿਲਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਚਰਨ ਸਵਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੁਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਮਝੂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਨ ਬੜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੂ ਕਹੋ ਨਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਵਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਪਾ ਨਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਡੀਲਿਟ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ,
पर सानू ये सोचना चाहिए कि साढ़े किन्ने वकील डॉक्टर से सारे जो पढ़े लिखे ने जिन्होंने बुद्धिजीवी आखा जाता उन्होंने पाठी किन्ने ने वो इन व्डिया प्राप्तियां करते हैं सारा सारा दिन रात पढ़न से लाते हैं तो अपनी असल जी चीज़ है अपने पैरों से खिलाने वास्ते कुछ नहीं करना कि फौड़ियाँ देकर तुरना है तो ये बहुत जरूरी चीज़ है भी जो बच्चे है बोलते डॉक्टर वकील जड़े ने वह इन वाधू काम समझ के इस सम्मेलन से आते ही नहीं जोड़े आते ने वो ये सोच के आने चलो उख के बुड़ियावे तो उन्होंने इस हिस्सा नहीं लैना कि इतने मुजारा बारे की गल हुई ने असं वो किस तरह हिस्सा लै सकते हैं ये बहुत जरूरी है कि वो इस काम वाल ध्यान देन और जोड़े पैसे वाले बच्चे हो जाते हैं विहारी बच्चे बन जाते हैं वो भी इस चीज़ को वाधू समझ लेंगे ने पर असल चीज़ यह हुई है जो सगुरों ने सानू हुकम दिता है धर्म वाले पास लगन का सिक्खी वाले पास लगन का बच्चों आखागा भी तुम तगड़े होकर उद्यम करो तो उन्होंने जिन्होंने साडा लहू पीता है जिन्होंने साढ़े बजुर्गों ने समुद्रा डूब डूब के मारिया फांसियों से जाड़िया तोपा ना उड़ाया उन्होंने वर्दी छड़ दो जिन्होंने देश के वास्ते सारा कुछ किया उन्होंने तुम वेखो बस इतिहास अपना वेखो भी किन्ने पेंट से बुशटा पाने वाले साढ़े नामधारी सन जिन्होंने फैशन नाल अपना प्रसिद्धि प्राप्त की है उन्होंने थोड़ी रोटी खा के भी आप फोटोग्राफर बंद कर देने थोड़ी रोटी खा के भी बहुता काम किया संत मोहन सिंह जी सन वडाले दे वो अपने गड़वे विच चौल ते दाल रला के रखते सन ते दीवान उत्थे लाते सन जिथे कोई नामधारी ना हो उत्थे नामधारी बना के फिर उन्होंने को रोटी खानी नहीं तो जो दाल से चौल ने ना उन्होंने पानी ना रिन लेना रिन के तो खिचड़ी बना के खा लेनी इस तरह उन्होंने सेवा की नामधारी पंथ की इस तरह मैंने एक दा पता होर बहुत सारे शरीर ने जोड़े ये काम करते हैं पर जोड़े माड़े काम करते हैं चोरी करते हैं ठगी करते हैं वो अपने पिंडे के बच्छर लड़ाते रहते हैं मर्द तो नहीं डरते अपने काम से पहुँचते हैं तुम्हें पता है एक बंदे ने राजीव के उत्ते कोई हमला करना सी तो वह कई दिन मच्छर लड़ा रहा उ लुक के बह के इस काम माड़े काम वास्ते जोड़े चंगे काम करने वाले ने उन्होंने सहुरा ने हम सब कृपा की सुख दिते ने सब सब प्रकार के नलके का पानी नहीं छड़ सकते मैं कोशिश कर रहा लभण की WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जी लभत है जोड़ा कुछ उन्होंने उन्होंने प्राप्ति उन्होंने आख्या अमरीका के शहर से एक तजर्बा किया गया कि जोड़े आदमी चाह काफ़ी कोके को सॉफ्ट वाटर पीते हैं उन्होंने कई तरह दीमारियां होंगे ने पानी तो पीना ही पैना पर वो झील तालाब या चश्मे का पानी पियो वो साढ़े लिए ठीक है पर यह कौन करे इस पास ध्यान देने वक्त नहीं ये ठीक है भी उस सॉफ्ट वाटर जोड़े ने उन्होंने पी के बीमार हो के दवाइया के उत्ते खर्चा करके अपने शरीर से तकलीफ चल रही जाती है पर यह छुटता नहीं तो तगड़े होकर उदम करो सगुरों के हुक्मों से चलो तो अपने पिछे वाल ध्यान दो कि उन्होंने किनिया घालना घा घाल के सानू ये प्रसिद्धि दवाई है वाजपेयी जी जो ललितपुर ले आए सन उन्होंने आख्या कि भी जो सगुरू राम सिंह ने बीड़ा उठाया तो ये काम शुरू किया अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई की सफल लड़ाई की उदो कि पार्टी थी उदू कोई पार्टी नहीं थी पार्टियां जीडिया बन दया ने तो पता वो की करते हैं तो सारे
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਰੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਸਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੁਸ਼ਰਟਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਕੋਟ ਧਨ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30-35 ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਸਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਡੀ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਅੰਡੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਣ ਦੇ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਉ ਡੋਲਾ, ਮੁੱਖ ਪਸਾਰਾ ਵੀਰ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਭੋਏ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ
रागिया ने सौद पढ़ना शुरू किया। मैं तो मेरे होर साथी जोड़े सन अभी तो कुर्सियों तो उठ खड़ोते जोड़े भी ला दते पर बाकी सारे उस तरह ही सन। ये सिखा में नहीं होना चाहिए बस सानू ये कोशिश करनी चाहिए जो बाणी पढ़ी जाए जो किसी गुरु का नाम लिया जाए उदों पूरे अर्ध सत्कार असी लोगों भी समझा सके भी वह भी इस तरह लैन पर जे आप असी ना ध्यान करा फिर लोगों किमें आखा। मैनू सानू जिथे ये हैरानगी होंगी कि फलाने का विआह होया तो उन्होंने जी इन्ने लख रुपया तो सिर्फ चाननिया कनातों से ला दिता वो किसी हथ नहीं आया। एक लख रुपए का पता नहीं किन्नी लंबी सड़क बन जाती एक लख रुपए का किन्निया गरीबों के कपड़े बन जाते हैं एक लख रुपए का किन्निया गरीबों को रोटी मिल सकती है। इस पासे नहीं ध्यान दिता फैशन वाले पासे बड़ा मैनू बड़ी संघ आ गल कर रहा मैं समझना ये मेरी कमजोरी है जोड़ा मैं ये काम नहीं कर सकिया मैं पता ही नहीं लगा इस काम का। ये पता लगता है कि साड़िया नामधारी लड़कियां भी 100-100 सूट बना के रख दिया ने जो वही जन्दिया ने पता होना चाहिए कि किन्ने ही बंदे ने जिन्हां नूं कपड़ा नहीं मिलता पाउण नूं किन्ने बंदे ने रोटी नहीं मिलती खाण नूं सौण नूं थां नहीं मिलता। ये पैसा उधर लगना चाहिए कि साढ़े सूटा दी लगी जाए तो वह लड़कियां दे जिहड़े सहुरे ने ते माता पिता ने वह भी अखां मीट के इस अंधेरे च भजे जाते हैं तो पता नहीं वह अंधेरा जिहड़ा उहने सानूं किहड़े टोए सुटना है। तो मैं तुहानूं याद करांगा जिन्नियां लड़कियां तुसीं बैठियां हो तुहानूं ये चाहिए भी चार सूट में बहुत ज़्यादा ने दो नाल भी कम सर जांदा है पर चार सूटों तो वध बिल्कुल तुहाडे घर च कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। वह सूट फैशन वाले नहीं होने चाहिए सूट बिल्कुल सादे कपड़े दे होने चाहिए ने। सादगी सब तो जरूरी है जिहड़ी असीं आप करिए लोगों को इस पासे दे। मैं उत्थे लड़कियां नाल मिलण च गल कीती सी कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने हुकम दिता तुसीं ते एक बी मात्र रह गए हो भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता दसो जे बी मुक जाए फिर होर की करना किसी ने। मैं उत्थे भी गल आखी सी देखो अजकल बड़ियां पार्टियां बन दियां ने वाजपेयी जी साढ़े दवान च आए सन तो उन्होंने आख्या सी भी जो सतगुरु राम सिंह ने एक काम शुरू किया बड़ी वड्डी सफलता सगुरां ने की उदों कि पार्टी सी सगुरां ने आत्म ज्ञान दिता आत्म निर्भर कर दिता जो तो डर नहीं सी आउंदा मौत दा इस वास्ते सफलता प्राप्त हुई। मैं तुहानूं पुछदा भी जिन्हां ने यह सफलता प्राप्त की साडा नाम प्रसिद्ध किया सारी दुनिया के उत्ते हर आए दिन वो चमकदा उन्होंने किन्ने फैशन किए सी किन्ने बूट से सूट बनाए किन्निया बुशटा पैंटा पाइया सन ये तुसीं आप देखो भी उन्होंने कि सफलता की सानू भी सफलता उस गल नाल ही मिलनी है फैशन नाल नहीं मिलनी। मैं क्षमा मंगागा भी जिहड़ी लड़की बहुत फैशन करके बाजार में जाए लोग उन्होंने किस तरह वेखण उहदा धर्म रह जांदा है। ध्यान करो सिनेमा वेखना जां फैशन करने ये साडा काम नहीं तगड़े होकर उद्यम करो। मैं अपनी बहुत कमजोरी समझदा कि मैं तुहानूं जिहड़ी गल नहीं मना सकदा पर ये बहुत जरूरी गल है कि असां इस गल उत्ते ध्यान देना। मैं ये प्रबंधकां नूं भी आखांगा ते जिहड़े डेलीगेट आए ने उन्हां नूं भी ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਖਾਉਣ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੈ। सब तो पहलो ये जरा साढ़े राह जड़का है सूटा वगैरह का फैशन का ये तगड़े होकर उद्यम करके क्ढो अपने बिचों बड़ी खुशी होंगी है जो बीबी कुलवंत हो रही तो इतों के प्रबंधक जोड़े ने सवेरे सवेरे
तीन तीन साल के बच्चों को लिया के दो दो चार चार घंटे नाम सिमरन कराते हैं, बहुत खुशी होती है इस गल की। इनू होर भी अगर वधाओ तो वड्डिया भी चाहिए उन्होंने तो सिक्ख्या लैन, जोड़े बच्चे सवेरे उठ के तड़के नाम सिमरन करते हैं। तो ये दोवें ही गल् लिखिया ने, हर के नाम बिना दुख भाव है, हर को नाम सदा सुखदाई। जोड़ा एयर कंडीशन लाते हो सिर्फ गर्मिया सुख दिता, हीटर सियाल दिता, पर यह नाम जोड़ा है ये सदा सुख देने वाली चीज़ है। पर इनू यी वरतों नहीं करके अं देखते दे। किन्ने विहार के चक्कर चलाते हैं, किन्ना कुछ करते हैं। जिस धन का चार कुंट उठ पावा सो धन हर सेवा से पावा, ये तजर्बा नहीं करते। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के उद्देश सतगुरु कृपा की, उन्होंने आख्या तुम नाम जप के देखो तुम्हारा धन कि बढ़ता है। तो सब तो उच्चा धन जोड़ा वो नाम का, वो ही धनी आदमी है। नाम धन जिस जन का पाल है सोई पूरा सहा। तो मैं फिर ये तुम अर्ज करा भी चाहिए इतने अज लड़कियां ना लिखा अपने दसन के कि बीबिया ने जड़िया जिन्होंने चार चार सूट तो वध नहीं रखे। नाल ही यह गल है भी जड़िया लड़कियां नहीं आई उन्होंने जड़िया बीबिया ये इस गल से मना के चार सूट तो वध नहीं रखने, वो उन्होंने भी ना लिख के अपने अपने जथियां देन के इन लड़कियों असा चार सूटों तो वध नहीं पाने वास्ते या फैशन वाले पाने वास्ते तो बंद किया, तो साधारण जोड़े ने सूट वो बनने ने। मैं फिर भी यही अर्ज कराँगा, तुम बहुत कुछ किया करते भी हो, एक एक घंटा नाम सिमरन हर घर के हर जी करे। तो जिस वे बच्चा पैदा हो माता पिता उसका एक घंटा नाम सिमरन शुरू कर दे, जिस वे वो बच्चा जवान होखो भाई आ तेरे काका इन्ने पूरे कर दते ने, ये बच्चा तू अज तो अपने तू करने लड़की हो भावें लड़का हो। जिस वे संसार तो जान तो बच्चों भी पता लगे साढ़े वास्ते कुछ इन्होंने जमा किया, कोठे पा दो, होर फैशन वाले कपड़े बना दो, स्कूल पढ़ा लो, कि कर लो। हूँ किनिया बीबिया साढ़िया डॉक्टर बनिया हो, वकील बनिया हो, डी एड की होगी, पर उन्होंने कोई पाठ करने वाली हैगी कि नहीं। पाठ ना सा जीवन सौरना, जिन्हें चर जीवन नहीं सौरता उन्ना चर असी कुछ नहीं कर सकते। तो यह बहुत जरूरी गल है, इन गलों से चंगी तरह ध्यान दो, कोशिश करो आप इन गलों से तुरीए, जो थोड़ी शोभा होगी मेरी नाल ही उस वे हो जानी। मैं इस वास्ते अकेले खबरों के घर से किसी गल का घाटा नहीं, कितने भी कृपा हो जानी है। बदल का जिते जी करे उत्थे मीह पा दिता, जिते जी करे उत्थे गड़े पा दिता। इत्थे जो तुहाडे सामने खड़े ने ये लायक राम जी चौहान SDM बिलासपुर सन, नालागढ़ सन, नालागढ़ तों फिर इन्हां दी ट्रांसफर हो गई है मंडी। इत्थे लैंड एक्विजिशन दे अफसर ने, इन्हों ने इस तरह की कृपा कर दी भी जो भी जिन्ना चेरी वक्त हो गए जिन्ना जवान दे हर वेले आ के एक चौंकड़े बैठ के अखा मीट के ध्यान करते आप सारे ये सोच करने देखते हैं ना कि कपड़े बड़े चंगे पौधा मेरा जी कहता कपड़े चंगे पावा जे चंगे उन्हें जो सगुरों मंजूर ने जो भैड़े कपड़े ने उन्होंने चंगे आदमी समझ कद कभी कभी पाने लग पे हैं। पर इधर ये ध्यान करो कि किस तरह ध्यान करके बैठते हैं, सिक्ख्या लो इन्हों तो इस चीज़ की भाई ये सगुर ने कृपा की साढ़े तो भी सगुरु कृपा कर जो देखिए जिन्ना चर बहीए अपना पूरा ध्यान सतगुरु राम सिंह के चरणों में ला के नाम सिमरन करिए। चित सिमरन करो नयन अवलोकनो श्रवण बाणी सुजस गुरु राखो मन सुबध कर करो चरण हृदय करो रसन अमृत राम नाम पाको। इस तरह ही हो सकी है। Thank you.